क्या आपको पता है दुनिया के 90% लोग सीधे हाथ से ही क्यों लिखते हैं? या क्या आपको पता है हमारी स्टमक में इतने स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होते हैं कि अगर कभी गलती से एक स्टील का टुकड़ा भी चला जाए तो वो भी डिसॉल्व हो सकता है 4 से 5 दिन में। सबको ये तो पता है कि दुनिया में हर इंसान के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बट क्या आपको पता है सबके यूनिक टंग प्रिंट भी होते हैं? या आपने कभी सोचा है कि जब आपको जुखाम होता है तो आपको खाने की खुशबू क्यों नहीं आती? आप चीजों को स्मेल क्यों नहीं कर पाते? तो चलिए जानते हैं इन सभी बातों का जवाब और भी कई महत्वपूर्ण बातें ह्यूमन बॉडी के बारे में अपनी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में फूड डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारी स्टमक के अंदर, जिसमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बट ये एसिड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एक स्टील का टुकड़ा भी डिसॉल्व हो सकता है हमारी स्टमक के अंदर 4 से 5 दिन में। स्टमक एसिड को गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है, और एक ह्यूमन बॉडी एक दिन में लगभग 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। ये गैस्ट्रिक एसिड बना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड से। HCl की कंसेंट्रेशन स्टमक के अंदर 0.5% और 5000 पार्ट्स पर मिलियन होती है, और यही कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, और हमारी स्टमक को बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। जब हम कुछ खाते हैं या फिर हम सांस लेते हैं तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर चले जाते हैं, बट HCl की प्रेजेंस की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। एंड ये एसिड्स प्रोटीन की डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब आप लोगों में से कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये एसिड्स कितने स्ट्रांग होते हैं। सो एसिड्स मेजर करे जाते हैं पीएच स्केल की हेल्प से, एंड वी नो पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 तक होती है, एंड पीएच की वैल्यू 0 के जितना नजदीक होगी उतना ही स्ट्रांग एसिड होता है, और 7 पर न्यूट्रल होता है। एक हेल्दी स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक एसिड्स का पीएच होता है 1 से 2 के बीच में, और इसी लो पीएच की वजह से माइक्रोब्स हमारे स्टमक में सर्वाइव नहीं कर पाते, और यही रीजन है कि हमारी स्टमक डाइजेस्ट कर सकती है मीट को, हार्ड फाइबर्स को, एंड इवन स्टेनलेस स्टील को भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी स्टमक में इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो फिर हमें कुछ क्यों नहीं होता? तो दोस्तों, हमारी स्टमक में प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल सेल्स जो प्रोड्यूस करती हैं म्यूकस को, और यही म्यूकस सेपरेट करता है इन एसिड्स को स्टमक वॉल से। सो म्यूकस बना होता है 95% वाटर से और 5% पॉलीमर से, जिसकी वजह से स्टमक एसिड्स और स्टमक लाइन के बीच में एक जेल लाइक विस्कस लेयर बन जाती है। बट कभी कभी जब एक्सेसिव अमाउंट में एसिड बन जाता है तो ये सेल्स ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हमारी स्टमक लाइन को, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं। हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी स्टमक कैसे एक स्टील को भी डिसॉल्व कर सकती है। पर ये सब समझकर ट्राई करने मत लग जाना, उससे हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। मेटल हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है। तो ये तो हो गई स्टमक एसिड्स की बात। चलो अब जानते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी बात। सो जिस तरह इस दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, उसी तरह टंग प्रिंट्स भी अलग अलग हैं। टंग हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में से एक है, उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी भी है टंग के बारे में। हमारी अर्थ पर मौजूद हर इंसान का टंग प्रिंट यूनिक होता है। टंग हमारी बॉडी का एक मल्टीफंक्शनल ऑर्गन है, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड स्पीच। एक एवरेज अडल्ट की जीभ पर 2000 से 4000 के बीच में टेस्ट बड्स होते हैं। चलो अब जानते हैं व्हाई डू वी गेट गूज़बम्प्स। हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती रहती है, जैसे दिल का धड़कना, डाइजेशन का प्रोसेस, सांस लेना। हम इस वीडियो में बॉडी के एक ऐसे ही फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, या फिर हम किसी डरावनी चीज को देख लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जोश में होते हैं, देन व्हाई डू वी गेट गूज़बम्प्स? रोंगटे खड़े होना यानी गूज़बम्प्स। तो ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस पे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? गूज़बम्प्स के लिए मेडिकल टर्म्स में एक वर्ड पिलोरिक्शन है, एंड गूज़बम्प्स सिर्फ इंसानों में ही नहीं जानवरों में भी होते हैं।
हमारी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर ये अटैच होते हैं एक छोटी सी मसल से, जिसको अरेक्टर पिली नाम से जाना जाता है। तो होता क्या है, जब ये मसल सिकुड़ती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सब होता है जब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। इस हार्मोन के रिलीज होने से सिर्फ स्किन मसल्स पर ही नहीं, बॉडी के और भी फंक्शंस पर इसका प्रभाव पड़ता है। बट जानवरों में ये स्ट्रेस हार्मोन तब रिलीज होता है जब या तो उन्हें ठंड लग रही होती है या फिर वो किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं। और बेसिक लेवल पर देखें तो गूज़बम्स का फायदा ये भी है कि ये बॉडी को गर्म रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम किसी ठंडी जगह पर होते हैं या फिर हमें ठंड लग रही होती है, तो ये स्किन में प्रेजेंट मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और बाल खड़े हो जाते हैं स्किन पर, जो कि बॉडी को गर्म रखने में मदद करते हैं। ऐसा ही सेम होता है जानवरों में, रोंगटे खड़े होने पर उनके मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छिपाकर रख लेते हैं, जो कि इंसुलिन लेयर का काम करता है। हेयर्स की ये लेयर जितनी ज्यादा घनी होती है उतनी ज्यादा गर्माहट को रोक पाएगी। ह्यूमंस में इसका ज्यादा असर नहीं होता, बिकॉज ह्यूमंस हैव वेरी लिटिल हेयर्स ऑन देयर बॉडी एज कम्पेयर टू एनिमल्स। दुनिया में 10 में से 9 लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के 90% लोग सीधे हाथ से लिखते हैं। तो क्या आपको पता है Why do 90% of the world's people write with their right hand? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे है एक सिंपल सी साइंस। तो बेसिकली इसके दो रीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू आर ब्रेन एंड सेकेंड वन इज रिलेटेड टू आर DNA। ज्यादातर लोग जानते होंगे कि हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमारे शरीर के राइट हिस्से और ऑर्गन्स को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है, और हमारे दिमाग का राइट पार्ट हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो दोस्तों, जब भी हम किसी नई भाषा को बोलना या फिर लिखना सीखते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे दिमाग का लेफ्ट वाला पार्ट काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। ज्यादातर लोगों के राइट हैंड को यूज करने का कारण ब्रेन से ही रिलेटेड होता है। तो ब्रेन में एनर्जी मैनेजमेंट के पैटर्न्स होते हैं। हमारे ब्रेन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कम से कम एनर्जी खर्च करके ज्यादा से ज्यादा काम करना। सो लेफ्ट हैंड से लिखने में हमारा दिमाग सभी लैंग्वेजेस और डेटा को प्रोसेस करके राइट साइड वाले दिमाग में ट्रांसफर करता है, और फिर राइट साइड वाला दिमाग उन सिग्नल्स को समझकर हमारे लेफ्ट हैंड को लिखने का ऑर्डर देता है। तो इस तरह पूरे प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी और समय लगता है, और इसी एनर्जी और टाइम को बचाने के लिए हमारा माइंड हमें इनडायरेक्टली सिग्नल देता है राइट हैंड से लिखने का। तो अब आप में से कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाकी बचे लगभग 10% लोग लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं लिखने में। तो होता क्या है, बचपन में बहुत लोगों के माइंड में एनर्जी मैनेजमेंट पैटर्न्स बढ़ते नहीं है, और इसी वजह से उनका दिमाग कभी उन्हें इनडायरेक्टली सिग्नल नहीं भेजता कि वो राइट हैंड से ही लिखें। चलो अब समझते हैं DNA का क्या रोल होता है इसमें। साल 2012 में USA में की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात पता लगी कि अगर किसी बच्चे के मदर फादर दोनों राइट हैंडेड होते हैं, तो उस बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के सिर्फ 9% चांसेस होते हैं, और अगर पेरेंट्स में से एक लेफ्ट हैंडेड है और दूसरा राइट हैंडेड है, तो ये चांसेस बढ़कर 19% हो जाते हैं। और अगर किसी के फादर मदर दोनों ही लेफ्ट हैंडेड हो, तो बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के चांसेस 26% हो जाते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि लोगों के लेफ्ट हैंड से लिखने का क्या कारण होता है, और ज्यादातर लोग राइट हैंड से क्यों लिखते हैं। आप कौन से हाथ से लिखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं कि जब कभी हमें कोल्ड होता है, तो उस समय हमें खाने की या फिर किसी भी चीज की खुशबू क्यों नहीं आती। ऐसा क्या होता है हमारी नोज में कि कोल्ड होने के बाद हम चीजों को स्मेल नहीं कर पाते। क्या आपको पता है इसके पीछे की साइंस? तो इसके पीछे रीजन है, हमारे नोज में होते हैं स्पेशलाइज्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि कवर होते हैं म्यूकस की एक थिन लेयर से। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो महक खाने से, परफ्यूम से या फिर किसी भी चीज से आ रही होती है, वो म्यूकस से पास होती हुई रिसेप्टर्स के पास पहुंच जाती है, जिसकी वजह से रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हम चीजों को स्मेल कर पाते हैं। बट जब हमें जुकाम होता है, तो उस टाइम हमारी नोज एक्सेस अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस करती है। तो एक्सेस अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस करने की वजह से जो स्मेल होती है खाने की या फिर किसी भी चीज की, वो रिसेप्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाती।
और इसी वजह से हम स्मेल नहीं कर पाते चीजों को जब हमें कोल्ड होता है। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और अमेजिंग बातें जानी। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।